हम देखते हैं ब्रोली अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ग्रैंड पे से कहता है, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाइए वरना मैं इनके साथ आपको भी खत्म कर दूंगा। ग्रैंड पेस्ट कहते हैं, नहीं ब्रोली, तुम मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं करोगे और ना मैं तुम्हें ये करने दूंगा। ब्रोली कहता है, तो ठीक है, आप भी इन्हीं सबके साथ मरोगे। ये कह के ब्रोली ग्रैंड पेस्ट पे अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमें गोकू और क्रेलिन का सीन दिखाया जाता है, जो बुलमा के पास ड्रैगन बॉल ढूंढने जा रहे थे। क्रेलिन गोकू से कहता है, बस थोड़ी देर और गोकू, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। गोकू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्रेलिन, जो तुमने मेरी मदद की। क्रेलिन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है गोकू। इसके बाद हमें ब्रोली और ग्रैंड बीस्ट का सीन दिखाया जाता है। दोनों में बहुत ही भयानक फाइट हो रही होती है। ग्रैंड बीस्ट ब्रोली के हर अटैक को बड़ी आसानी से रोके जा रहे थे और ब्रोली लगातार उन पे अटैक किए जा रहा था। हम देखते हैं बीरस वहीं पर होता है और वो सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था ये इतने ज्यादा ताकतवर होंगे, लगता है मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है। हम देखते हैं ब्रोली और ग्रैंड बीस्ट की फाइट की वजह से पूरा रिवर्स हिलने लगता है। इसके बाद हमें जेनोसामा का प्रेस दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनोसामा ब्रोली और ग्रैंड पेस्ट की फाइट को देख रहे थे। जेनोसामा कहते हैं, मैंने सोचा था ब्रोली कभी न कभी बेकाबू जरूर होगा, इसलिए उसे रोकना बहुत ही जरूरी है वरना वो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद जेनोसामा उन दोनों गार्ड से कहते हैं, मैं जानता हूं ग्रैंड ब्रिज जो भी कर दे लेकिन वो ब्रोली को नहीं मारने वाले, वो सिर्फ उसे रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं तुम वहां पर जाओ और उसे संभालो और ज्यादा मामला खराब हो जाए तो तुम ब्रोली को खत्म कर देना। इसके बाद हम देखते हैं दोनों गार्ड ब्रोली के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड पेस्ट और ब्रोली के बीच बहुत ही भयंकर फाइट हो रही होती है, लेकिन ग्रैंड पेस्ट ब्रोली के हमले को सिर्फ रोके जा रहे थे, उन पे बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे थे। ये देखकर बीरस ग्रैंड पेस्ट से कहता है, माफ कीजिए ग्रैंड पेस्ट, लेकिन आप उस पे कोई भी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर ग्रैंड पेस्ट कहते हैं, अब तुम मुझे बताओगे बीरस मुझे क्या करना है। बीरस ये सुनकर कहते हैं, माफ करना ग्रैंड पेस्ट, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं क्योंकि उनको ब्रोली और ग्रैंड पेस्ट की एनर्जी महसूस होती है, इसीलिए वो सब वहाँ पर आ गए थे। और वो ये देख के कहते हैं कि आखिर ग्रैंड पेस्ट ब्रोली से क्यों लड़ रहे हैं। बीरस उनसे कहता है, मैंने एक लेजेंडरी सैयन का सपना देखा था जो यही है, मैंने इसे मारने की कोशिश की लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ग्रैंड पेस्ट सिर्फ इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो इसे मारना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके से ग्रैंड पेस्ट ने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। बेलमुट कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो बीरस, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस सैयन से डर गए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी इतने कमजोर कैसे हो। बीरस कहता है, मेरी बात सुनो बेलमोट, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बेलमोट कहता है, आखिर वो एक मोर्टल है ना, मोर्टल कभी भी गॉड का सामना नहीं कर सकता, लेकिन तुम काफी कमजोर हो बीरस, इसीलिए तुम उससे नहीं लड़ पाए, वैसे भी यूनिवर्स 7 के वॉरियर और गॉड्स काफी कमजोर हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर। के बाद हम देखते हैं बेलमोट अपनी पावर को अप करता है और वो ब्रोली पे एक जोरदार हमला कर देता है जिससे ब्रोली बहुत दूर जाकर गिरता है। ग्रैंड पेस्ट कहते हैं, बेलमोट ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम्हें मेरे और ब्रोली के लड़ाई के बीच में आने की सजा मिलेगी। बेलमोट ग्रैंड पेस्ट से कहता है, मुझे माफ करना ग्रैंड पेस्ट, आपकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी और आप उस सैयन पे हमला नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया, अगर आप चाहे तो मैं इस सैयन को संभाल सकता हूँ, अगर आप इस पे हमला नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ग्रैंड पेस्ट बेलमोट से कहते हैं, तुम उसका सामना नहीं कर सकते बेलमोट, इसीलिए तुम हट जाओ। बेलमोट ग्रैंड पेस्ट से कहता है, मेरी बात सुनिए ग्रैंड पेस्ट। जैसे ही बेलमोट ये कहता है हम देखते हैं ब्रोली वहाँ पर आ जाता है और वो बेलमोट की छाती को चीर देता है और वो सारे गॉड से कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। हम देखते हैं बेलमोट घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। ये देख के सारे गॉड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ब्रोली ने एक ही बार में बेलमोट को कैसे खत्म कर दिया। बीरस ये देख के कहता है, ये तो एक शैतान है, आप इसे क्यों बचा रहे हैं ग्रैंड पेस्ट, इसे तो खत्म कर देना चाहिए। ग्रैंड पेस्ट कहते हैं, ब्रोली तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिसके बाद ग्रैंड पेस्ट ब्रोली को पंच मारते हैं जिससे ब्रोली बहुत दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं ब्रोली फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, एक को तो मैंने मार दिया, अब बाकियों की बारी है, मैं एक एक करके तुम सारे गौरों को मार दूंगा। ग्रैंड पेस्ट कहते हैं, नहीं ब्रोली, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये कह के ग्रैंड पेस्ट ब्रोली पे हमला करने जा ही रहे थे कि हम देखते हैं जैनो के रॉयल गार्ड्स बीच में आ जाते हैं और वो ग्रैंड पेस्ट से कहते हैं, आप रुक जाइए, इसे हम देख लेंगे, ये जेनोसामा का ऑर्डर है। ग्रैंड पेस्ट कहते हैं, लेकिन क्यों, मैंने कहा ना मैं इसे देख लूंगा। इसके बाद जैनो के रॉयल गार्ड्स कहते हैं, नहीं ग्रैंड पेस्ट, हमने कहा ना हम इसे देख लेंगे, ये जेनोसामा का हुक्म है, आप उनके हुक्म को नकार नहीं सकते, ब्रोली को हम पे छोड़ दीजिए।
ब्रोली देख के कहता है, ओह लगता है जानो सामान ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को भेजा है। मैं जान चुका हूँ कि तुम सारे गॉड्स बहुत ही ज्यादा मतलबी होते हो। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर जानू के गॉड्स कहते हैं, तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हम तुम्हें यहाँ पे खत्म करने आए हैं, जो तुमने किया उसकी कोई भी माफी नहीं है। थ्रेनपिस्ट ये सुनकर कहते हैं, क्या ये तुम क्या कह रहे हो, जानू सामान ने तुम्हें इसे मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। नहीं रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जानू के गार्ड्स कहते हैं, हमें ये जानू सामा से सख्त ऑर्डर मिला है, हम इस ऑर्डर को नहीं नकार सकते और आपको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, वरना ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ब्रोली कहता है, तुम सारे गॉडों को किसी की जान की परवाह नहीं होती, तुम लोग गॉड कहलाने के लायक ही नहीं हो। मेरे पिता को बेवजह बीरस ने मार दिया और मेरे प्लेनेट को फ्रीजा के द्वारा बेवजह खत्म करवा दिया गया। तुम लोग गॉड बिल्कुल भी नहीं हो, तुम लोग तो एक असली शैतान हो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं बीरस को खत्म करके ही रहूंगा। आज मैं बीरस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम में से अगर कोई बीच में आया तो मैं उसे भी मार दूंगा। ये कहकर ब्रोली अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। हम देखते हैं थ्रेनपिस्ट ब्रोली को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, नहीं ब्रोली तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो किसी की भी नहीं सुनता और वो बीरस पे अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं जानू के गार्ड बीच में आके उसे रोक लेते हैं। हम देखते हैं जानू के गार्ड ब्रोली पे एक जोरदार पंच करते हैं, लेकिन हम देखते हैं ब्रोली उनके पंच को रोक लेता है और ब्रोली रॉयल्स गार्ड पे अटैक कर देता है, जिससे उन्हें कुछ चोट आती है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों रॉयल्स गार्ड मिलकर ब्रोली पे अटैक करते हैं, जिसे ब्रोली रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जानू के रॉयल्स गार्ड लगातार ब्रोली पे अटैक करते रहते हैं, लेकिन ब्रोली उनके अटैक को रोक नहीं पाता और लगातार उनसे पिटता रहता है, लेकिन ब्रोली फिर भी उनके सामने उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को मार दूंगा, तुम दोनों ये सोच रहे होगे कि तुम बीरस को बचा लोगे, आज या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा, बीरस आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ब्रोली अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।